वेलकम टू टॉक विदेश से दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कृषि भर्ती के लिए। कृषि छात्रों के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, इसमें आवश्यक सूचना है तो पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपका ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये जारी किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2024 की डेट है, विज्ञप्ति है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आधार पर मुख्य परीक्षा है। तो सफल घोषित अभ्यर्थियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in के होम पेज पर फिलअप ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज मेन एग्जाम पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हेयर टू ऑथेंटिक प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करने करके अभ्यर्थी OTR नंबर एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करने पर फी पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा, जिसके पश्चात SBI MOPS का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें भुगतान है तो निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दिया गया है, पहला नंबर है SBI MOPS के पोर्टल में SBI तथा 55 अन्य बैंकों में से किसी एक बैंक का चयन करना होगा। चयन किए गए बैंक के द्वारा डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। उपरोक्त बिंदु सेकंड की सुविधा न होने पर SBI का ई चालान मुद्रित करके नगद भुगतान द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है अथवा मोबाइल बैंकिंग द्वारा बड्डी के माध्यम से भी किया जा सकता है। और सभी अभ्यर्थियों ने निर्देशों एवं प्रक्रिया का भलीभांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न तथा यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं उपलब्ध उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की PDF फाइल, जिसकी साइज अधिकतम 2048 KB मतलब 2 MB तक हो, अपलोड करना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है उपयुक्त वांछित सूचना दिनांक 11 नवंबर 2024 तक सही व सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर सेव या सबमिट कर लें। नंबर दो पे है ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट को मुद्रित कर लें। ऑनलाइन फॉर्म सेट जो है वो सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उससे संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन एडिट आयोग की वेबसाइट जो upsc.up.nic.in के होम पेज पर प्रदर्शित विकल्प क्लिक हेयर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज मेन एग्जाम 2024 पर क्लिक करके डैशबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 11 नवंबर 2024 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त जात प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रारूप में PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नंबर तीन, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट मतलब आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नकों प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं और उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची एड्रेस स्लिप चस्पा कर दिनांक 18 नवंबर 2024 को अपराह्न 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 5 अनुभाग, ये एड्रेस दिया गया है UPSC का, को पंजीकरण डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नंबर 4 है, इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे एवं के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जात प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। नंबर 5 है, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उपश्रेणी, अर्हता आदि के संबंध में
किए गए दावे के समर्थन में अपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रस्तर 11 के नोट एवं प्रस्तर 12-4 में निहित प्राविधानुसार उनका सभ्यतन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो ये हो गया पूरा नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपकी जो वैकेंसी आई थी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर, मतलब UPPS एग्रीकल्चर PCS या STA या DHO जो भी बोलते हैं इसको, तो उसका मेन एग्ज़ाम का ये फॉर्म आ चुका है और यहाँ पे इसमें साफ साफ डेट लिखी हुई है 11 नवंबर तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। कैसे क्या फॉर्म भरना है ये पूरी डिटेल मैंने अभी आपको पढ़ के अच्छे से सुना दी, फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप लोग जहां से भी जानकारी ले सकते हैं जानकारी लीजिए और फॉर्म को बिल्कुल सही सही तरीके से भरिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक भरें और समय से आयोग पहुँचा दें। ये हो गई पूरी जानकारी UPPSC और UPPSC एग्रीकल्चर भर्तियों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।